हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नसों में कमजोरी के लिए तीन बेस्ट कैप्सूल कौन कौन से होते हैं। अगर आप भी परेशान हैं अपनी नसों के दर्द से, नसों में झंझनाहट रहती है, सुननी रहती है, तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है। दोस्तों पूरा वीडियो को देखना है, आखिर तक वीडियो को देखना है। एक एक कैप्सूल के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से आप पूरी की पूरी नॉलेज लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे कैप्सूल आता है न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ कैप्सूल। 10 कैप्सूलों का इसका एक बॉक्स आता है, डिब्बी आती है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं इस तरीके का देखने में होता है। पीले कलर का है थोड़ा सा देखने में, मतलब कैप्सूल ब्लैक होता है लेकिन जो इसका रैपर होता है वो पीला सा होता है हल्का। मैनकाइंड फार्मा इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। प्राइस की बात करते हैं तो 90 से 100 रुपीस के बीच में आपको मिल जाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल, इसके अंदर जो है कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर कई सारे कंपोजिशन होते हैं, हम आपको सब तो नहीं बता रहे हैं। अगर आपको सब जानने तो हम वीडियो की साइड में शो कर देंगे, या वीडियो पे आप पॉज करके रोक कर वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसके अंदर नियासिनामाइड होता है दोस्तों 25 mg में, विटामिन B6 होता है 1 mg में, मेकोवालामिन होता है इसके अंदर 500 माइक्रोग्राम में, और विटामिन D3 होता है इसके अंदर 200 IU में, फोलिक एसिड होता है इसके अंदर 0.15 mg में, एलिमेंटल कैल्शियम इसके अंदर होता है 75 mg में, फेरस फ्यूमरेट होता है इसके अंदर 30 mg में। इसके अलावा भी कई सारे मिनरल्स और विटामिन इसमें होते हैं। दोस्तों इसके फायदे की बात करते हैं, इसके यूजेस की बात करते हैं, तो इसका जो यूज होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपकी नसों में कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी आपकी नसों में, इसके अलावा नसों में दर्द रहता है आपको, सुननी रहती है, ऐसा लगता है कोई सुइयां सी चुभ रहा है, या फिर थकान रहती है आपको, खून की कमी है आपकी बॉडी में, तब इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है, न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ कैप्सूल को। इसके अलावा न्यूरॉन आपके डैमेज हो रहे हैं तब इसको लेने की सलाह दी जाती है, मांसपेशी में आपके दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, तब इस कैप्सूल को लिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा ये मेमोरी पावर को इन्हांस करता है, मतलब मान लो कोई व्यक्ति है जो बार बार भूलता है, बोलने की उसको दिक्कत रहती है, तो वो लोग इस कैप्सूल को ले सकते हैं, न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ कैप्सूल को। डोज की बात करते हैं इसकी, तो एक कैप्सूल इसको दिन में लिया जाता है, दूध या पानी के साथ इसको ले सकते हैं खाना खाने के बाद। इसको कंटिन्यू आप 15-20 दिन लें, वो महीना भर भी लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये हुआ पहले नंबर का कैप्सूल। दूसरे नंबर पर आता न्यूरोकाइन प्लस कैप्सूल। दोस्तों ये भी 10 कैप्सूलों का स्ट्रिप आता है, पैकिंग आप इसकी भी साइड में देख सकते हैं, इस तरीके का देखने में होता है। प्राइस की बात करते हैं इसकी, तो ये 109 रुपीज में आपको मिल जाता है। कॉम्पोजन इसके अंदर होता है मिथाइल कोवालामीन होता है इसके अंदर 1500 माइक्रोग्राम में, अल्फा लिपोइड एसिड इसके अंदर होता है, इसके अलावा इसमें विटामिन B6 होता है, पायरोडॉक्सिन फोलिक एसिड होता है इसमें। दोस्तों ये इसके अंदर कुछ साल्ट होते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो इसका भी यूज सेम ही रहता है, जो भी हमने अपने आपको न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ में बताया वही यूज इसका रहता है। दोस्तों रहता है कि नसों में आपके दर्द है, कमजोरी है, थकान है, खून की कमी है, न्यूरॉन आपके डैमेज हो रहे हैं, मांसपेशी में दर्द है, तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। डोज की बात करते हैं तो इसको भी दिन भर में एक ही कैप्सूल लेना होता है, दूध या पानी के साथ इसको ले सकते हैं खाना खाने के बाद। 20 से 25 दिन आप इसको लेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब तीसरे नंबर पर आता है ट्राइनर्जिक एल कैप्सूल। ट्राइनर्जिक एल कैप्सूल जो ये जो कैप्सूल होता है 15 कैप्सूलों का एक स्ट्रिप आता है, बॉक्स आता है, इसकी भी पैकिंग आप साइड में देख ही सकते हैं, इस तरीके का देखने में होता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसको बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये 15 कैप्सूलों का स्ट्रिप 252 रुपीज में मिलता है। दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा आता है और कैप्सूलों से, 252 रुपीज में मिल जाता है। कंपोजन की बात करते हैं तो इसके अंदर जिनसेंग होता है, लाइकोपेन होता है दोस्तों, और वेन फोर्टियामाइन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, जिंक होता है, और वीट ग्राम ऑयल होता है इसमें। तो इतने सारे कॉम्पोजन इसके अंदर डाले हुए हैं कंपनी ने। इसकी यूज की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है किसी की बॉडी में तो वो लोग इसको ले सकते हैं। इसके अलावा किसी को अपनी जो है स्टेमिना इन्हांस करता है, अपनी स्टेमिना बढ़ाना है, एनर्जी नहीं रहती है, थकावट बनी रहती है, कमजोरी सी लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो वो लोग इस कैप्सूल को ले सकते हैं। इसके अलावा कोई नसों से जुड़ी उसकी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मसल्स में उसके हाथ पैरों में खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, तो वो लोग भी इस कैप्सूल को ले सकते हैं। अब इसके लेने के तरीके की बात करते हैं, इसकी डोज क्या होती है, तो इसको इस कैप्सूल को दोस्तों दिन में एक कैप्सूल लेना होता है, खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं रात को। तो
इसको भी 15 से 20 दिन अगर आप लेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। बाकी आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने दिन चलेगा। तो ये हमने आपको एक एक करके तीनों कैप्सूलों के बारे में बताया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।